शहजाद, आपने सुना इस वक्त संगीत रागी जी ने भी क्या कहा और आपने रहमान जी की बात सुनी, उनका कहना कोई मुकाबला ही नहीं है। और इसके अलावा आपको मिला हुआ बता दिया केसीआर की पार्टी और एआईएमआईएम के साथ, तो क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए ऐसा है, आज तो कोई मुकाबला नहीं है, बात मानता हूं, भ्रष्टाचार में केसीआर के परिवार का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो आउटर रिंग रोड स्कैम हो, चाहे वो कालेश्वरम स्कैम हो। 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1,00,000 करोड़ का हो गया और इजाफा जो हुआ इरिगेशन एरिया में वो मात्र कुछ हजार हेक्टर का हुआ। जिस प्रकार से वहाँ पर हैदराबाद फ्लड रिलीफ स्कैम हुआ, जिस प्रकार से वहाँ पर कोयला स्कैम हुआ, तो ये स्कैमों की पूरी फहरिस्त है। और एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड यूथ को कोई जॉब नहीं मिला, केवल परिवार के यूथ को ही जॉब देते रहे। और जहाँ तक किसी ने कहा कि वहाँ पे दंगे नहीं हुए, अरे भैंसा का दंगा याद नहीं है आपको? उसमें एमआईएम का व्यक्ति शामिल था, इसलिए किस प्रकार की लीपापोती हुई और वहाँ पर हिंदुओं को कैसे टारगेट किया गया। और इसके अलावा जहाँ पर तुष्टिकरण की ऐसी नीति चल रही है, जो निजामी मानसिकता है गौनिका जी, वो निजामी मानसिकता ऐसी है कि मुस्लिम धोबी को 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है परंतु हिंदू को नहीं दी जाती। वहां पर मौलाना और इमामों को जो है वजीफा दिया जाता है, वहां वजीफा नहीं सॉरी अलाउंस दिया जाता है। वहां पर बुरखा अगर लगा के कोई महिला एग्जामिनेशन सेक्टर में जाए उसको तो अलाउड है, पर मंगलसूत्र डालने वाली को रोक लिया जाता है। वहां पर जिस प्रकार से सर तन से जुदा के नारे एमआईएम के कार्यकर्ता लगाते, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। और वहां पर मुस्लिम आरक्षण भी दिया गया है, हम लोगों ने क्लियर कट कहा है कि हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे और संवैधानिक तरीके से, इन्होंने कहा था दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बताइए क्यों दलित को मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया? और 23% रेप्स में इजाफा हुआ है, 23%। और जब रेप के बारे में पूछा जाता है तो इनके गृह मंत्री है कोई खान साहब, वो बोलते हैं कि अपनी बेटियों को समझाओ कि बाहर ना घूमे। तो इस प्रकार की चीजों से तेलंगाना की जनता ग्रसित है, इस निजामी मानसिकता वाली सरकार। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो पहले अपने अंदर के घर के लड़ाई को सुलझा दे। कभी उनके उत्तम रेड्डी और रेवंत रेड्डी में झगड़ा होता है, कभी उनके वर्किंग प्रेसिडेंट और रेवंत रेड्डी में झगड़ा होता है, कभी हनुमंता राव कभी रेवंत रेड्डी की बात नहीं सुनते, 13 लोग छोड़कर चले जाते हैं। कांग्रेस तो केवल कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए खड़ी है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी को ना जाए, तो कांग्रेस इनकी बी टीम, एमआईएम इनकी ए टीम और केसीआर ओरिजिनल। ठीक है आदिल जी बोलिए, जवाब दीजिए। कनिका, इसको शहजाद मियां को पता नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं, जो मुस्लिम धोबी की बात कर रहे हैं, ये नॉन मुस्लिम धोबी को भी मिलता है, मुस्लिम धोबी को मिलता है। अब अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चे को मुफ्त पढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री ने टर्मरिक बोर्ड नहीं दिया, फार्मास्यूटिकल जोन नहीं बनाया, कालमलेश्वरम को इंटरनेशनल पूरा ख्याति मिला हुआ है, पूरा वर्ल्ड इसकी तारीफ कर रहा है, इन्होंने उसको नहीं दिया। और हम बोल कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हो तो ये टूरिज्म करने नहीं आए, बतलाएं कि ये राहुल गांधी जब इनकी जरूरत पड़ती थी तो ये हमारे पास क्यों आते थे? जगन की, रोसैया की, सबकी सरकार में मदद इन्होंने लिया है, न्यूक्लियर डील में इन्होंने मदद किया है। और ये जो भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं, इनको तो दंगा के बिना भाजपा जीत नहीं सकती है, 10 सीट भाजपा क्रॉस नहीं करेगी तेलंगाना में, आप लिख लीजिए, क्योंकि इनको इनको दंग ही इनका यूएसपी है। और शहजाद कल तक कांग्रेस की दरबारी में दरबारी थे, आज भाजपा के दरबार में दरबारी है। शहजाद तो हमेशा गोल पोस्ट बदलते हैं, क्योंकि जहां जैसा इनको मुनाफा मिलेगा वैसा इनको जाना है, मुझे जवाब देने का व्यक्तिगत टिप्पणी की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।